हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंड्या स्टोर के अपकमिंग ट्विस्ट, अपकमिंग प्रोमो के बारे में। सो वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती है सो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हें थैंक यू कहना चाहूंगी, उन सब्सक्राइबर्स को जो जिन्हें मेरी इतनी ज्यादा चिंता है, जिन्होंने मुझे मतलब मेरे ये इतना कंसर्न दिखाया रियली दिल से। मतलब मैं कैसे कहूँ आप लोगों को, आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया है। और लास्ट वीडियो में मुझे देख के आप लोगों को ऐसा लगा कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सो आप लोगों ने कंसर्न जो दिखाया, मतलब रियली दिल से बहुत 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 थैंक यू। एक्चुअल में मेरी तबीयत खराब नहीं थी, मैं दिन भर बहुत ज़्यादा मतलब बिजी थी, इस वजह से ऐसा लग रहा था, थकावट जैसे चेहरे पर लगता है ना, उसकी वजह से ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को। लेकिन सच में जब मैंने कमेंट पढ़ा कि आप लोग इतना ज़्यादा मतलब आप लोगों को मतलब मेरी चिंता भी है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। मैं बता ही नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लगा। रियली दिल से बहुत 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 सारा थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, मेरे बारे में सोचने के लिए। तो चलिए, और एक बार फिर से थैंक यू यार। तो उसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंड्या स्टोर के अपकमिंग ट्विस्ट, अपकमिंग प्रोमो के बारे में। जी हाँ, जैसा कि दिखाया जा रहा है, फाइनली गौतम की अग्नि परीक्षा मांग रही है धारा, और वो अग्नि परीक्षा देने मतलब ऐसा लग रहा है कि वो दे रहा है, बट एक्चुअली वो सोचते सोचते वहां पहुंच जाता है जहां रावण दहन हो रहा है, और वहां पे पहुंच जाता है और सभी लोग अब टेंशन में आ गए हैं कि उसे कैसे बचाएं वहां से। और उसके बाद दूसरी तरफ अब एक और मुसीबत जो है वो आ गई है, मतलब उनकी जो माँ है सुमन माँ, वो भी उसी आग के पीछे मतलब उसी आग में दूसरे साइड फंस गई है। एक्चुअली दिशा को वो बोल रही थी उसे बाहर लेके जाने के लिए, दिशा लेके जा रही थी, बट बीच में उसके पापा का फोन आ जाता है, तो वो मतलब सुमन माँ खुद ही कहती है कि ठीक है तुम अटेंड कर लो, तो वो करने के लिए चली जाती है। और वो जब देखती है कि गोम्बी जो है वो रावण के तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो वो उनके पीछे 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 जाती है और वो खुद भी फंस जाती है। तो अब इन लोग सभी लोग मिलके बचाने वाले हैं गोम्बी को भी, और गोम्बी पहले निकल जाएगा, उसके बाद इन लोग सब माँ को मिलके बचाएंगे, वैसे बचा ही लेंगे और कुछ होने मतलब कुछ भी बुरा नहीं होगा, सभी लोग सेफली जो है वो वापस आ जाएंगे। बट SBS के सेगमेंट में दिखाया गया था कि एक क्या बोलते हैं वो जो ट्रॉली लेके खींच के जाते हैं ना सामान वाला, उसी पे धारा जो है वो कंबल ओढ़ के बैठ के जाएगी, और बाकी जो सारे भाई लोग हैं वो उसको ठेला गाड़ी बोलते हैं जिसको, उस पे लेके जाएंगे और सुमन माँ को वहां से उन लोग सब मिलके बचा के लेके आएंगे। वैसे एक बात सही कहा कि बाकी लोग भी तो हैं जो बचा सकते हैं, बट धरा ही क्यों? इवन वो प्रेग्नेंट भी है और उसे थोड़ा आराम भी करना है, और इसमें भी वो उसको मतलब बाकी लोग मिलके बचा ही लेंगे ऑब्वियसली, इतना तो भरोसा होना चाहिए, उसे खुद जाने की क्या जरूरत है। मतलब फालतू में इसमें ऐसा दिखाने वाले हैं इन लोग की धरा जाएगी बचाने के लिए। वैसे ठीक है, सीरियल है, उन लोग जैसा सोचे, बट मुझे भी यही लगता है कि धारा को सुपर वुमेन बनने की इसमें कोई जरूरत नहीं थी, नॉर्मल सा था सीक्वेंस, उस पे जाके इन लोग भी शिवा एंड देव इन लोग सब मिलके भी बचा सकते थे, ऐसा कोई वो बहुत ज्यादा वो नहीं था कि उसमें एकदम दिखाना था एकदम। लेकिन हाँ ठीक है, सीरियल है, कोई भी चीज को इन लोग जब तक ओवर नहीं दिखाएंगे तो काम कैसे चलेगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी, और उसके बाद फाइनली इन लोग सुमन को बचा लेंगे, और उसके बाद घर में एक और तमाशा होगा। और जहाँ दूसरी तरफ भी जो धारा का जो ट्रस्ट न करने वाला ये सीक्वेंस नया स्टार्ट हुआ है, ये फालतू में मुझे लग रहा है स्टार्ट किया है इन लोगों ने, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत थी। और ऑब्वियसली धारा मतलब इतना ज़्यादा गोम्बी से प्यार करती है, और उसके बावजूद वो इतनी सी बात मतलब कोई ऐसा कुछ है भी नहीं जिसकी वजह से वो उसके ऊपर इतना ज़्यादा डाउट कर रही है कि उसको उससे अग्नि परीक्षा मांग रही है एंड ऑल, ये सारी चीजें। इन लोगों को शिवी के ट्रैक पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जिसपे बिल्कुल भी फोकस नहीं है इनका, क्योंकि उनकी स्टोरी अभी शुरू भी नहीं हुई है। एटलीस्ट उनकी स्टोरी तो इन लोगों को शुरू करानी चाहिए थी। मुझे थोड़ा सा मतलब वो लगा, मतलब डिसअपॉइंट हुई मैं इस हफ्ते के पूरे एपिसोड से कि क्या है, एक ही चीज को खींचे जा रहे हैं, कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है, और छोटी सी चीज को बड़ा सा बना दिया। उसे एक एपिसोड में भी खत्म कर सकते थे, पर नहीं, उस चीज को खींच के बड़ा बना रहे। पर ठीक है, कोई बात नहीं, बेकर्स है इन लोग जैसा सोचे, हम तो यही चाहेंगे कि इन लोग कुछ अच्छा दिखाएं और शिवी की भी स्टोरी को आगे बढ़ाएं। और ये जो दिशा वाला नया ट्रैक जो शुरू किया है, इसका भी कुछ दिख नहीं रहा है खास, बस मतलब थोड़ा बहुत ऐसे ही दिख रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज मुझे अच्छा लगा आज के एपिसोड में, अच्छा मतलब कॉमेडी सीन लगी,
जब धरा उसके ऊपर डाउट करती रहती है और सारे, तो उसके बाद फिर शिवा उसके उस शिवा भी गोभी के ऊपर पूरा बढ़िया से तीर धनुष लेके खड़ा मतलब तान देता है, और उसके बाद फिर देव भी उसको ही मारने के लिए, हाँ गोभी तुमने क्यों रुलाया भाभी को, और उसके बाद मतलब क्या ही बचा हुआ था, कृष भी हो गया खड़ा साथ में, मतलब वो बहुत ही कॉमेडी सीन लग रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा कॉमेडी। आप लोग भी देखेंगे तो आप लोगों को भी लगेगा, और मतलब ठीक है आज का एपिसोड अच्छा है, और अपकमिंग प्रोमो में भी अपने को यही सब कुछ देखने को मिलने वाला है अभी तो कुछ दिन। फिर फाइनली एक और सेगमेंट आया था जिसमें दिखाया गया था कि अनीता जो है वो बोल रही थी उसे गोम्बी से कि मैं बता दूँ नहीं बताऊँ, इस टाइप का उन लोग आंगन में ऐसे दौड़ा दौड़ी कर रहे थे, तभी धरा आ जाएगी, और धरा जो है वो अनीता और गोम्बी के ऊपर शक कर रही है। अब उसको ये भी हो सकता है लगे कि कुछ टाइम पहले ही रावी ने भी बोला था, तो हो सकता है उसके दिमाग में सारी चीज़ें क्लिक करे और सबको मर्ज करके कुछ इस टाइप का करे। बट बहुत जल्द मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों की जो ये बीच का ये जो चल रहा है ये वाला ट्रैक जो है वह काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि कपल कंपटीशन में भी दोनों गोम्बी और धरा ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सो धरा तभी उनके गोम्बी के साथ पार्टिसिपेट करेगी जब उसे उसके ऊपर वापस से यकीन हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर गोम्बी करेगा, या फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि ठीक है उसे उसे बता देना चाहिए, उसको खुद को भी तो पता है कि उसकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा बहुत और थोड़ा अपने आप को वो करके रखेगी वो। हालांकि ठीक है वो मेकर्स जैसा सोचे, जैसा कि मैं पहले भी कहती आ रही हूँ, जैसा उन लोग सोचेंगे वही होगा, और जो उन लोगों ने होगा वही करेंगे उन लोग। सो बस हम होप कर सकते हैं कि बहुत ही जल्द हमें शिवी की कहानी भी आगे बढ़ते हुए दिखे, और इन लोगों का ये जो फालतू का, मतलब मुझे तो फालतू ही लग रहा है, एक नया जो ये शुरू किया गया है मतलब ट्रैक, इसे ख़त्म करना चाहिए, ये इसमें कोई वो नहीं है। टीआरपी अगर इन लोगों को बढ़ानी है तो सबकी स्टोरी पे ध्यान देना पड़ेगा, सिर्फ एक जन की स्टोरी, और वो भी स्टोरी पे ध्यान देना तो उसकी प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाना चाहिए, वो तो ऐसे लग रहा है जैसे वहीं पे रुका हुआ है। सो आज मैं इतनी ज़्यादा मतलब खुश नहीं हूँ पंडित स्ट्रो के पूरे हफ्ते के उससे, ठीक है बट फिर भी चल रहा है, हमें मज़ा आ रहा है देखने में तो फिर ठीक है, और शिवी के थोड़े बहुत सीन्स जो आ जाते हैं तो उसी से हम खुश हो जाते हैं, तो फिर ठीक है चलिए चलते रहेगा। और मैं तो यही चाहूँगी कि इन लोग सबकी स्टोरी पे ध्यान दें, सबकी स्टोरी बढ़े, ताकि हमारा जो इंटरेस्ट है पंडिया स्टोर में वो एज इट इज़ बना रहे और बढ़ता रहे, मैं तो ये कहूँगी कि और बढ़ता रहे, कि हम उसके एक भी मूवमेंट ना छोड़ें। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी बातों से एग्री करते हो सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इससे हटके कुछ सोचते हो सो प्लीज वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर आप लोगों के कमेंट पढ़ूंगी, मुझे रियली दिल से बहुत खुशी होती है आप लोग जब अपने व्यूज हमेशा शेयर करते हैं। सो मैं मिलूंगी अब आपको अपनी अगली वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच मेरे लिए अपना इतना सारा कंसर्न दिखाने के लिए और मेरी वीडियोज को पसंद करने के लिए, थैंक यू। चलिए मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और थैंक यू वंस अगेन, रियली थैंक यू।